अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बोस्टन क्रीम डोनट। इसके इंग्रेडिएंट्स अब भैया बता रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमें शुगर चाहिए और 1 पिंच चाहिए हमें। 1 टेबल स्पून बटर चाहिए हमें। 1 कप ऑल पर्पज फ्लावर लेने हैं। 1 कप मिल्क चाहिए हमें। 1 एग चाहिए हमें। ईस्ट का एक पैकेट ले लेना है। सबसे पहले हम लोग ईस्ट का एक पैकेट डाल देंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून शुगर का डालेंगे हम लोग। इसके बाद बटर डाल देना है। ये हमने बटर मेल्ट कर लिया है। 1 पिंच सॉल्ट का डाल देंगे। उसके बाद 1 एग, इसको फोक की मदद से फेंट लेंगे हम लोग। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे और इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये हमारी एक्टिवेट हो जाए। 5 मिनट्स हो गए हैं इसको। हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप। अब हम इसमें ऑल पर्पज फ्लावर डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से हाथों की मदद से गून लेंगे इसको। 5 मिनट के हम लोग अच्छी तरीके से इसको गूनेंगे। हम लोग ने डो को अच्छी तरीके से गून लिया है। अब हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे हो गए हैं हमारे डो को। अब हम इसके ये प्लेट हटा लेंगे। ये देखिए राइज हो गया है। अब थोड़ा सा हम लोग ऑल पर्पस फ्लावर छिड़क देने हैं और इसको 5 मिनट के लिए गूंदते रहना है। अभी हम लोग ने ऑल पर्पस फ्लावर छिड़क दिया है। ये हमने आटे को गूंद लिया। अब हम इसको 3 हिस्सों में काट देंगे और इन 3 हिस्सों के अच्छी तरीके से पेड़े बना लेने हैं। हमारे 4 पेड़े बन गए इस तरीके से। दोबारा ऑल पर्पस फ्लावर इसमें हम लोग छिड़क देंगे हाथों की मदद से। इस तरह से हम इसको फैला देंगे। हमने 4 बना लिए हैं इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे। इस तरह से ढक कर हम लोग इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा ये राइज हो जाए। तो ये हमारे डोनट को 10 मिनट हो गए। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमने और थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। हम लोग डोनट को इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने डाल दिया और इसको तब तक फ्राई कर लेना है धीमी आंच पे जब तक इसका रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये हो गया भाई हम लोग के डोनट्स तैयार। अब हम इसको ठंडा होने के लिए 30 मिनट्स के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। अब हम लोग चॉकलेट ग्लेज बना रहे हैं। ये हमने 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ली है। ये हमने 4 टेबलस्पून कोका पाउडर डालेंगे अब हम लोग। अब 1 पिंच हम लोग वेनिला एसेंस डालेंगे। ये 4 टेबलस्पून मिल्क डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने हैं। अब हम लोग अपने डोनट में पेस्ट्री क्रीम की फिलिंग कर देंगे तरीके से। बाकी भी कर लेनी है। अब हम इसको चॉकलेट ग्लेज के अंदर डिप कर देंगे इसी तरीके से। बाकी भी कर लेंगे। तो ये हो गए भाई हम लोग के बोस्टन क्रीम डोनट्स तैयार। तो हमारी इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इंस्टा के पेज और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दोनों को जाकर फॉलो कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा देंगे तो हमारी जो नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक जल्द आ सकेंगी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।